हेलो हेलो गाइस, गाइस, आज मैं आज आप मैं आप लोगों लोगों के के साथ साथ कुछ कुछ शेयर शेयर करने करने वाली वाली हूँ हूँ राजमा राजमा का। का। आप आप ध्यान ध्यान से से देखिएगा, देखिएगा, मैंने मैंने यहाँ यहाँ पे पे दो दो मीडियम मीडियम साइज साइज का का टमाटर, टमाटर, लहसुन, लहसुन, अदरक, अदरक, मिर्चा मिर्चा और और दो दो मीडियम मीडियम साइज साइज का का प्याज प्याज लिया लिया है। है। अब अब हम हम इसका इसका पेस्ट पेस्ट बना बना लेंगे। लेंगे। आप आप देख देख सकते सकते हैं हैं ये ये टमाटर टमाटर का का पेस्ट पेस्ट है, है, ये ये लहसुन, लहसुन, अदरक अदरक और और मिर्चे मिर्चे का का पेस्ट पेस्ट है। है। और और मैंने मैंने तेज तेज पत्ते पत्ते लिए लिए हैं हैं और और मैंने मैंने ये ये काटा काटा हुआ हुआ प्याज प्याज लिया लिया है। है। ये ये प्याज प्याज का का पेस्ट पेस्ट है है और और ये ये मैंने मैंने राजमे राजमे को को 2 से 3 सीटी2 से 3 सीटी उबालने उबालने के के लिए लिए रखा रखा था, था, 4 से 5 घंटे4 से 5 घंटे भिगो भिगो के के रखा रखा था। था। और और देखो, देखो, अब अब हम हम यहाँ यहाँ पे पे अपने अपने प्याज प्याज को को पहले पहले अच्छे अच्छे से से पका पका लेंगे। लेंगे। अब अब हमें हमें वेट वेट करना करना है है इसको इसको एकदम एकदम ब्राउन ब्राउन कलर कलर के के लिए। लिए हम हम बीच 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 में में चलाते चलाते रहेंगे रहेंगे इसको इसको अच्छे अच्छे से से ताकि ताकि ये ये हमारा हमारा जले जले ना। ना। ये ये हमारे हमारे प्याज प्याज में में कलर कलर आ आ गया गया है, है, ब्राउन ब्राउन कलर। कलर। थोड़ा थोड़ा और और टाइम टाइम वेट वेट करेंगे। करेंगे। अब अब ये ये सही सही है। है। अब अब हम हम इसमें इसमें तेज तेज पत्ता पत्ता ऐड ऐड करेंगे। करेंगे। अब अब हम हम इसको इसको थोड़ी थोड़ी देर देर तक तक चलाएंगे। चलाएंगे। अब अब हम हम इसमें इसमें अपना अपना अगला अगला सामग्री सामग्री डालेंगे। डालेंगे। यहाँ यहाँ पे पे मैंने मैंने अदरक, अदरक, लहसुन, लहसुन, मिर्ची मिर्ची का का पेस्ट पेस्ट डाला डाला है। है। अब अब हम हम इसको इसको अच्छे अच्छे से से चलाएंगे। चलाएंगे। अब हम यहाँ पे अपने प्याज का पेस्ट डालेंगे और उसको भी अच्छे से चलाएंगे। अब हम यहाँ पे टमाटर का पेस्ट डालेंगे और इसको भी अच्छे से चलाएंगे। अब देख सकते हो हमारी सब्जी का कलर कितना बढ़िया आ गया है। ये बहुत सरल और आसान है, आप इसे अपने घर में आसानी से बना सकते हो। अब यहाँ पे हम 1 बड़ा स्पून मसाला डालेंगे जो हम अपने रोज़ सब्ज़ी में इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे हम 1/2 चम्मच के लगभग हल्दी डालेंगे। अब और हम इसे इसमें ऐड कर देंगे, आप देख सकते हो। और इसको हम अच्छे से चलाएंगे। अब आप देख सकते हैं, अब हमारे मसाले में बगल बगल से आप देख सकते हो तेल आ रहा है। अब हम इसमें अपने ज़रूरत भर के पानी डाल देंगे। स्वाद अनुसार आप इसमें नमक डालिए। उसके बाद 10-5 मिनट के लिए उबलने के लिए इसे छोड़ दीजिए, ये अच्छे से पक जाएगा। उसके बाद इसमें राजमा डाल देंगे। ऊपर से हम इसमें धनिया पत्ती डाल देंगे।